हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? आप लोग कैसे सब? ठीक ठाक सब बढ़िया? आपका तो सोमेन घोष फिर प्रेजेंट हो गया है फ्रेंड्स। मैं आज ये तुक्कल पतंग उड़ाने जा रहा हूँ और ये तुक्कल पतंग है पंजाब की जान होती है और बहुत अच्छी पतंग होती है। ये ढील के पेच लड़ाने के लिए तो बहुत अच्छी होती है लेकिन अनफॉर्चुनेटली इससे खींच का पेच नहीं लड़ सकता है और इसको हवा भी अच्छी चाहिए होती है, तेज़ हवा चाहिए होती है और बहुत दूर लड़ने के लिए अच्छी होती है। फ्रेंड्स, जब मैं ये पतंग उड़ाने जा रहा हूँ, इसकी जो साइज़ है ये 24 इंचेस बाई 24 इंचेस की पतंग है, 24 इंच बाई 24 इंच की है और इसको मैं उड़ा करके देखता हूँ ये कैसा उड़ता है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अभी दिल्ली में हवा बहुत कम है और 15 अगस्त के बाद से दिल्ली में पता नहीं क्यों हवा की स्पीड बहुत अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी मैं इन पतंगों को उड़ा करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। अभी आप देखिए कितनी सुन उड़ रही है। इसकी साइज़ जो मैंने आपको बताया ये 24 इंचेस बाई 24 इंचेस की पतंग है, तो अभी मैं आपको इसके इसी साइज़ की दूसरी पतंग भी उड़ा करके आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, पतंग ये उड़ने में बहुत अच्छी है पर दिल्ली में अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलता, ये पतंग पंजाब में मिलता है। पंजाब वाले इसको बहुत उड़ाते हैं, खास करके अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, इन सब जगह ये पतंगें बहुत उड़ती है। अब मैं इसको उतार करके आपको दूसरी पतंगें उड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको मेरा ये पतंग कैसा लगा? अब मैं आपको दूसरा पतंग दिखाता हूँ और वो भी पतंग उड़ने में बहुत मस्त होगी मेरे ख्याल से। अब आप दूसरी पतंग को भी देखिए फ्रेंड्स। अब मैं ये वाली पतंग उड़ा करके दिखाऊंगा। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले वो ब्लू कलर की उड़ा करके दिखाया था, वो 24 इंचेस बाई 24 इंचेस की थी, ये भी 24 इंचेस बाई 24 इंचेस की है। अब मैं इसको देखता हूँ कि ये कैसा उड़ता है। पहले वाला तो बहुत अच्छा उड़ा था, पर एक बात बता दूँ आप लोगों को कि दिल्ली में हवा बहुत कम है अभी सेप्टेम्बर महीने में और इस करके जो पतंगें बहुत अच्छी नहीं उड़ पा रही है, कोई सी भी नहीं उड़ पा रही है। ये तो क्या कोई सी भी, हमारी पौनी अद्धी पतंग भी नहीं अच्छी उड़ पा रही है, फिर भी मैं इसको कोशिश करता हूँ उड़ाने की। इसका थोड़ा सा कन्ना सेट करना पड़ेगा मेरे को। फ्रेंड्स, मैंने अभी इस पतंग को भी उड़ा दिया और इस पतंग को भी आप लोगों को दिखा दिया। अब मैं एक तीसरी पतंग उड़ाने जा रहा हूँ और वो भी इसी साइज का ही होगा और इसके बाद जो मैं उड़ाऊंगा वो 30 इंचेस का उड़ाऊंगा और फिर 36 इंच का भी एक पतंग उड़ाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप मेरी दूसरी तीसरी पतंग को देखिएगा। फ्रेंड्स, मैं अब इस वाले पतंग को उड़ाऊंगा, ये 24 इंचेस का है, 24 इंचेस बाई 24, ये भी यहाँ से यहाँ तक 24 इंच है, यहाँ पे भी 24 इंच का है और ये इस पतंग को भी मैं अभी उड़ा करके देखूंगा कि कैसा दिखता है और इसके बाद जो मैं साइज़ उड़ाऊंगा वो 30 इंचेस का उड़ाऊंगा, फिर 36 इंच का उड़ाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं एक नेक्स्ट साइज दिखाता हूँ आपको, भी इससे बड़ी साइज होगी। फ्रेंड्स, अब मैं इस डिजाइन को उड़ाऊंगा और ये जो डिजाइन है आपका, ये डिजाइन है 30 इंचेस बाई 30 इंचेस, ये यहाँ से यहाँ तक जो है इसका 30 इंच है और इधर से भी 30 इंच है और अब मैं इसको उड़ाने की कोशिश करूंगा, देखता हूँ ये कैसा उड़ता है। और इसका कन्ना थोड़ा सा टाइट लग रहा है मेरे को। इन पतंगों का कन्ना अगर आप अगर सेट करके नहीं बांधेंगे तो ये पतंग ठीक से नहीं उड़ेगी, लेकिन अगर आप कन्ना सेट करके बांधेंगे
कन्ना अच्छा बांधेंगे तो फिर अगर आप कन्ना इसका अच्छा बांधेंगे तो बहुत अच्छी उड़ेगी, कन्ने में जरा भी डिफेक्ट होगा नहीं चलेगा। हमारी अद्धी पोनियों के पतंग में अगर कन्ने में थोड़ा बहुत डिफेक्ट हो जाता है तो कोई बात नहीं चल जाता, लेकिन इन पतंगों में नहीं चलेगा। फ्रेंड्स देखिए ये पतंग जो है एकदम आपके सर के ऊपर उड़ेगी, मैं इसको थोड़ा सा दूर ले जाता हूं। ये भी फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं पतंग उड़ने में अच्छी है, काफी अच्छी है, और ये साइज उससे बड़ी है जो मैंने पहले तीनों पतंग उड़ाई उससे बड़ी साइज है, 6 इंच बड़ी है। अब मैं इस पतंग को उतारता हूं। इस पतंग को उड़ा करके मैं अब इससे बड़ी साइज जो है पतंग वो उड़ाऊंगा। ये देखिए फ्रेंड्स एकदम सर के ऊपर उतर रही है मेरे। ये देखिए फ्रेंड्स ये आपका 30 इंच बाई 30 इंच साइज का पतंग था। अब मैं जो आपको पतंग उड़ा करके दिखाऊंगा वो 36 इंच बाई 36 इंच का होगा। फ्रेंड्स मैं अभी इस पतंग उड़ाने जा रहा हूँ, ये उससे भी बड़ी साइज है, ये 36 इंच बाई 36 इंच की साइज है। इसका यहाँ से यहाँ तक और यहाँ इधर से भी 36 इंच है और इधर से भी 36 इंच है। अब मैं इसको उड़ा करके देखता हूँ। इससे पहले मैंने इस तरह का एक पतंग उड़ाया हुआ है, ब्लू कलर का सेम डिज़ाइन का ही पतंग उड़ाया हुआ है, ये दूसरी पतंग है, इसको भी उड़ा करके देखता हूँ। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये पतंग जो है थोड़ा थोड़ा एरोप्लेन की तरह लगते हैं, जो जितने भी तुक्कल पतंग हैं ये थोड़ा एरोप्लेन की तरह लगते हैं, एरोप्लेन जैसे उड़ते ही हैं। अच्छा फ्रेंड्स अब मैं इस पतंग को भी उतारूंगा। मेरा वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अच्छा फ्रेंड्स ये पतंग जो मैंने उड़ाया ये 36 इंच बाई 36 इंच का था, और मेरा वीडियो कैसा लगा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मेरे चैनल का नाम है सोमेन घोष जी, यही नाम है, और कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताना कि ये तुक्कल के पतंग जो पंजाब से मैंने मंगवाए हैं कैसे हैं। मैंने 50 kites मंगवाए हैं, अभी मेरे पास काफ़ी सारी रखी हुई है, मैं टाइम टू टाइम उनको भी उड़ा करके आपको दिखाऊंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।